हेलो एवरीवन वेलकम टू द फाइनेंस नो हाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज आईटीआर 3 आर थ्री फॉम हु आर गोइंग टू फाइल आईटीआर फॉर्म थ्री ओके सो वी आर कंप्लीटली डिस्कसिंग आईटीआर फॉर्म थ्री तो लास्ट दो वीडियोस में हमने आई टी आर वन और आई टी आर टू को डिस्कस किया था हाउ टू फाइल देम एंड आर एलिजिबल टू फाइल देम एंड व्हाट आर द ड्यू डेट्स हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज आई टी आर फॉर्म थ्री हु इज़ एलिजिबल टू फॉर्म फाइल आई टी आर फॉर्म थ्री एंड वॉट आर द मेजर चेंजेस कम्स इन दसेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो तीन चीज़ों को सेक्शन को डिस्कस करेंगे आई टी आर फॉर्म थ्री है क्या कौन कौन भरता है और क्या क्या चेंजेस आए हैं असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए सो आई टी आर थ्री इज़ फॉर इज़ फॉर द पीपल हु आर डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन प्रोफेशन में क्या क्या गया चार्ट अकाउंटेंट्स डॉक्टर्स आर्किटेक्चर्स और फ़ैशन डिज़ाइनर्स लाइक कोई भी प्रोफेशन हो आप उससे बिज़नेस कर रहे हो और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इन दोनों केसेस में आपको आई फॉर्म थ्री भरना पड़ेगा इन बिज़नेस इनकम के साथ साथ अगर आपकी इनकम सैलरी से है या आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है या आपकी इनकम कैपिटल गेंस से है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो इन केसेस से अगर आपकी इनकम है तब भी आप आई फॉर्म थ्री भर सकते हो बट साथ में बिज़नेस इनकम होनी बहुत ज़रूरी है ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो ड्यू डेट है इस साल के लिए असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो ड्यू डेट है वो है थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर द पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड मतलब जिनके अकाउंट्स ऑडिट होने कंपलसरी है उनकी ड्यू डेट है थर्टी फर्स्ट जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पर जिनको ऑडिट नहीं करवानी उनके लिए जो ड्यू डेट है वो है बीस जनवरी सॉरी बीस थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो आपको ड्यू डेट्स पता हो गई अब ठीक है थीके? बट जो ऑडिट की लिमिट है वो एक करोड़ से पाँच करोड़ हो जाएगी कि कब जब आपका टोटल टर्नओवर का जो रिसिप्ट आता है टर्नओवर का जो पेमेंट आता है वो पेमेंट का फाइव परसेंट ही आपका कैश में आता है अगर उस फाइव परसेंट तक ही कैश में आता है तो उस केस में आपकी जो ऑडिट होगी वो लिमिट पाँच करोड़ हो जाएगी इंस्टेड ऑफ वन करोड़ ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना है ये एक नया अमेंडमेंट है फिर ये आता है कि हाउ डू आई फाइल माई आई टी आर थ्री फॉर्म सो आई टी आर फॉर्म थ्री कैसे भरते हैं वो बताता हूँ मैं आपको अ टैक्स पर हैज़ टू कंपल्सरी फाइल आई टी आर थ्री ऑनलाइन ऑनलाइन भर सकते हो या आप इलेक्ट्रॉनिकली भर सकते हो ऑनलाइन कैसे आपने आई टी आर थ्री का पोर्टल खोला ठीक है सो यू कैन फाइल ऑनलाइन एंड इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप फर्डनाइज करते हो तो आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक में और ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिक एंड द सबमिट द वेरीफिकेशन टू द रिटर्न आई टी आर वी आई टी आर वी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा वो भी डिजिटल सिग्नेचर से ही होगा ठीक है और इफ़ यू सबमिट आई टी आर थ्री फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर द एक्नोलेजमेंट विल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ई मेल आई डी ई मेल आई डी भी आ जाएगा आपको और यू कैन ऑल्सो चूज़ टू डाउनलोड इट मैनुअली फ्रॉम द इनकम टैक्स वेबसाइट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू साइन इट एंड टू द सेंड टू द इनकम टैक्स सी पी सी डिपार्टमेंट बेंगलोर ठीक है वो भी एक सौ बीस दिन में कहाँ से जिस दिन आपने ई e फाइलिंग की वहाँ से रिमेंबर दैट आई टी आर थ्री इज़ एन एक्स एन एक्सर लेस फॉर्म दैट इज़ डू नॉट हैव टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट वैन यू सेंड इट आपको कुछ भी नहीं भेजना सिर्फ आई टी आर वी भरना है आई टी आर वी डालना है बस ठीक है फिर मेजर चेंजेस इन आई टी आर अभी मेजर चेंजेस क्या क्या आ गए वो डिस्कस करते हैं सो टैक्स पेयर जो होगा उसको डिसक्लोज करना होगा क्या अगर आपने एक करोड़ रुपये से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपोजिट किए हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर इनकट अगर आपने कोई भी फॉरेन ट्रेवल पे दो लाख रुपए से खर्चा ज़्यादा किया है तो वहाँ पे भी आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर अगर आपका बिजली का बिल एक लाख रुपए से ज़्यादा है पूरे साल में तो उस केस में भी आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल इज़ अ डायरेक्टर इन अ कंपनी अगर आप कोई कोई इंडिजुअल कोई कंपनी में डायरेक्टर है और अनलिस्टेड होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में उसकी इक्विटी होल्डिंग है तो ऐसी टाइप ऑफ कंपनियोंज को भी उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर तो ये ये कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को ध्यान में रख के आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है यस और नो no, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें आपको डिटेल दिखानी पड़ेगी आपने क्या क्या कैसी कैसी ट्रांजेक्शन्स की है ठीक है उसके बाद अगर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लैंड और बिल्डिंग को सेल करने हो करने के लिए तो उस केस में आपको बायर का नाम पैन कार्ड नंबर और परसेंटेज ऑफ शेयर इन द ओनरशिप आपको बताना पड़ेगा और प्रॉपर्टी का एड्रेस भी देना पड़ेगा ठीक है फिर अगर आपको सेपरेट अगर वन वन टू अगर आपने लिस्टेड इक्विटी कंपनी के शेयर्स बेचे हैं रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज पे और आपने उसके ऊपर एस भी पेड किया है तो उस लॉन्ग uh, टर्म को सेपरेट शेड्यूल में दिखाना पड़ेगा यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विच आर लाइबल टू एस टी टी तो सबको आपको सेपरेट शेड्यूल के अंदर दिखाना पड़ेगा वन वन टू है कि सारी इक्विटीज़ होल्डिंग्स को ठीक है इनकम फ्राम अदर सोर्स आपकी इनकम फ्राम अदर सोर्स है तो टैक्स पेयर शुड प्रोवाइड द डिटेल ऑफ एनी अदर इनकम ठीक है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शुड भी प्रोवाइडेड आपकी अगर कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उनको भी दिखाना है डिडक्शन फ्रॉम अदर इनकम्स अगर आपके कोई डिडक्शंस है शेड्यूल सिक्स से जो है आपका और एटी है उसके अंदर डिडक्शन है तो उनके प्रूव्स भी देने पड़ेंगे ठीक है फिर अगर आपका शेड्यूल सिक्स केस ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड डिटेल ऑफ कैपिटल गेन इनकम डिविडेंड इनकम अगर आपको कोई भी इनकम आती है बिज़नेस ट्रस्ट से तो उनकी जो भी इनकम है वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अगर आपको डिडक्शन लेना है तो एंड बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फर्ड कैपिटल गेन ये भी दिखाना पड़ेगा आपको अलग से और सेकेंडरी एडजस्टमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो रहा है वहाँ पे दो टाइप की एडजस्टमेंट होती है प्राइमरी एडजस्टमेंट और सेकेंडरी एडजस्टमेंट इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ उसको आप जरूर देखिएगा सेकेंड एडजस्टमेंट और प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है एंड डिटेल ऑफ द टैक्स रिडक्शन क्लेम्स फॉर द इन्वेस्टमेंट और पेमेंट और एक्सपेंडिचर मेड बिटवी फर्स्ट अप्रैल टू टू थर्टी जून टू अगर आपने कोई भी इसमें डिडक्शन या क्लेम लिया है तो उसको आपको इन्वेस्टमेंट और पेमेंट के एक्सपेंडिचर में सेपरेटली शो करना पड़ेगा एक अप्रैल 20 से लेकर 30 जून 2020 तक और सेकेंडरी एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग ठीक है तो उसके अंदर आपको 18 परसेंट का टैक्स भरना पड़ता है और इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है तो दो ऑप्शंस होते हैं वो चूज़ जो भी करोगे उसके ऊपर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा तो वो मैं सेपरेट वीडियो में ले कर आऊँगा आपको समझ में आ जाएगा फिर आपका एक होता है शेड्यूल डी आई वाई प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इफ टैक्स पेयर सेलेक्ट मल्टीपल बैंक अकाउंट्स तो द क्रेडिट ऑफ रिफंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चूज़ एनी अकाउंट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द रिफंड तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चूज़ कर सकता है कि आपका रिफंड किस में डालना है ठीक है सो so, ये मेजर चीज़ें थी आई टी आर थ्री की जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की स्टिल यू हैव सम डाउट्स इन आई टी आर थ्री फॉर्म फाइल करने में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए मैं आपको आई टी की सारी डिटेल्स बता दूंगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कोई भी एडजस्टमेंट आपसे नहीं हो रही आपको कोई भी इनकम नहीं दिखा रहा तो आप हमारी एडवाइस ले सकते हो और uh, मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो मैं आपकी हेल्प करूँगा उसके कोई चार्जेस नहीं है थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो